आए थे बल्ले दामाद बन गए भिखारी। बच गया, किसी ने देखा था नहीं? नहीं भैया, वो फटका है। भैया उन्होंने हमें धोखा दिया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ किया है। हाँ अब दोनों शादी भी कर लेंगे और सुहागरात भी मना लेंगे, प्रेग्नेंट भी कर देंगे और उनके बच्चे को हम पालेंगे। हम उन दोनों लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देंगे। प्रेग्नेंट? एक गन्ना मास्टर, उठ उठ उठ, जूस पिलाता हूँ, चल आजा आजा, मसाला मार के पिलाऊँ, चल आजा आजा, केरी के पट्टे, भागो, आजा आजा आजा, यहाँ चुप जा, इधर। भैया टिका टिका, मारना नहीं, आगे देना, आगे क्या हंगामा हो रहा है मेरे घर में? ठाकुर अंकल, ठाकुर अंकल, ठाकुर अंकल, उठ 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 उठ। मगर ठाकुर अंकल, आपकी दोनों बेटियों की शादी हम दोनों से होनी चाहिए ना? क्योंकि ठाकुर अंकल आपकी बेटियों के असली दुल्हन हैं। नालायक, तुम्हारी ये मजाल मेरे नौकर होकर मेरे दामाद बनने की सोच रहे हो? नौकर? हम नौकर नहीं है, हम मिनिस्टर के बेटे हैं, मिनिस्टर के। मैं डम डम, मैं डिगा डिगा। ठाकुर साहब रंगे हाथों पकड़े गए तो बातें बना रहे। ठाकुर साहब इनकी नियत बिगड़ गई है आपकी बेटियों पर। नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, तू सो अर्जुन, मेरी भांजी की इज्जत उठा चाहता हूं। अर्जुन छोड़ूंगा नहीं, अर्जुन छोड़ूंगा नहीं, छोड़ देने, छोड़े से, इधर आ, आजा इधर। हाँ हाँ मामा जी, इन्होंने हमारे कमरे में घुसकर हमने आपकी बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला है, लेकिन असली दुल्हन तो हम ही है ना? ये नहीं, ये तो नकली दुल्हन है ना। हम आपको साबित कर सकते हैं कि हम मिनिस्टर के बेटे हैं। हम हैं मिनिस्टर के बेटे, हम हैं मिनिस्टर के बेटे, हम हैं, हम हैं, हम हैं, बंद करो। क्या सुबह तुम्हारे पास के मिस्टर खुराना के बेटे हो? तो मंगवाई हमारा बैग, उसमें हमारे माँ बाप की तस्वीर है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है मीना बेटी, जाओ बैग लेकर आओ। नहीं नहीं, हमारी बैग है, हम लेके आएंगे, है ना टीका टीका? हाँ डमडम, जा हमारा बैग ले आ, चाहता हूँ और दिखाता हूँ। यही तुम्हारा बैग है? 100% हमारा बैग है। क्या यही तुम्हारे माँ बाप हैं? यही है। अच्छा तो असलियत ये है, आप समझे? तो तुम इसकी औलाद हो? ये बार बार क्यों पूछते हैं आप? पक्का यही तुम्हारा बाप है? नहीं तो क्या इनका बाप है? हम दोनों का बाप है, लाइए। हरामजादो, खेत में हल जोतने वाले 2% के किसान का गंदा खून इस हवेली में। किसान? कौन किसान? हमारा बाप तो, बाप तो मिनिस्टर है। बंद करे नौटंकी। जीजा जी, ये तो आपके पुराने दुश्मन के सपुत्र हैं, जो आपसे बदला लेने आए हैं। हाँ काय का बदला यार? हाँ तब जी, ये लोग हमारे कपड़े फाड़ रहे थे और कह रहे थे कि हम बदला लेंगे, इस खानदान की इज्जत पे दाग लगाएंगे। जीजा जी, बड़े दिनों से हाथ में खुजली हो रही थी, जेल में भी कोई नहीं मिला, मगर अब फिर मरेगा क्या? मामा जी अब मारना नहीं, यार मारा रे। ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल, अंकल,
नहीं ठाकुर साहब, गोली मत चलाइए। हमने सुना है शादी ब्याह के अवसर पर आपके यहाँ बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। जिस दिन हमारा ब्याह होगा उस दिन आप इन दोनों की बलि चढ़ा देना। बिल्कुल ठीक कहा, इससे इनको सजा भी मिल जाएगी और देवी माँ भी खुश हो जाएंगी। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आज आपकी हाथ की रेखाएं देखे बगैर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके दुश्मन का नाम क्या है। खंडहर के पास जो कुछ देखा सुना सब कुछ बता दूंगा। कौन राहु है, कौन केतु है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, सब भेद खोल दूंगा, सब कुछ बोल दूंगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है। अबे पंडित, बात को रबर की तरह खींचो मत, जो कहना कह दे। कहना नहीं बतलाना है ठाकुर साहब कि आज शनि कहाँ छुपा हुआ है, उसके बाद तो फिर आपका मंगल ही मंगल है। जो पकना जल्दी पक। ठाकुर साहब, मैं चेहरा देखकर दिल की बात पकड़ लेता हूँ, छाया देखकर चोर पकड़ लेता हूँ, और आवाज सुनकर मोर पकड़ लेता हूँ। मैं पूरब से पकड़ता हूँ, पश्चिम से पकड़ता हूँ, उत्तर से पकड़ता हूँ। ये लो दक्षिण से पकड़ो। दक्षिण से भी पकड़ लिया ठाकुर साहब। और क्या पकड़ा है, ऐसा पकड़ा है कि बच के नहीं जा सकते। क्या पकड़ा है वो तो बोल। ऐसा पकड़ा है कि पकड़ा। इसे क्या हो गया? मुझे लगता है इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। इसे जूता या चप्पल सुनाते या तो फिर इनके सड़े हुए मोजे की नाक में डाल देते। एक मिनट। गया। लगता है ये गया। चलो इनके अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंध करते हैं। बोल पंडित, तू क्या बोलना चाहता है? इसकी तो सीटी बच गई है। इसकी तो सीटी बच गई। इनकी सीटी के लिए इनको सीटी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। चलिए, सीटी का इलाज तो सिटी हॉस्पिटल में ही होगा। चलो।